सुमेर सागर ताल पर चल रहे अभियान पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया कि साल 2002 में भू माफियाओं ने ताल को पाट कर खत्म कर दिया था। पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड के तहत छानबीन कर रहे हैं, जिसके तहत ताल पर अभियान चलाकर खाली करवाया जा रहा है। जल्द ही ताल को एक भव्य ताल का स्वरूप दिया जाएगा, जो कि जनता के लिए हमेशा एक पर्यटक स्थल के रूप में रहेगा। जांच चल रही है, कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, कुछ और नाम सामने आने वाले हैं। जो भी इसमें शामिल है उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा, ऐतिहासिक ताल रहा है वो, करीब तो 2002 से फिर उसे लगातार इसको पाट पाट करके लगभग खत्म कर चुके हैं उसको। हम लोग पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड लेकर के पूरा छानबीन किए हैं, उसके बाद पता चला तो बहुत सारे इंक्रोचमेंट है, उसका अभियान चला करके इंक्रोचमेंट हटा दिए। अभी तालाब के स्वरूप में इसी मौसम में हम करा करके तालाब का स्वरूप देंगे, ताकि ये जनता के लिए हमेशा के लिए उपलब्ध रहे। सभी के ऊपर कार्रवाई होगा जो भी लापरवाही करते हैं।